बाइक से अपने पत्नी को लेके जा रहा था, वहाँ जौनपुर जा रहे थे कचहरी, ट्रक वाले ने साइड मार दिया काफी, आपको भी आपको आई थी वहाँ सदर गई उसके बाद थाने पाया मुकदमा लिखाने के लिए। हाँ आए प्रयागराज मार्ग पर गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। जिला अस्पताल पहुंचते ही महिला की मौत हो गई। मौके से ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मछली शहर कोतवाली क्षेत्र के जुड़वपुर निवासी अशोक पटेल 86 वर्ष गुरुवार को 11 बजे दिन अपनी पत्नी आशा देवी 40 वर्ष के साथ अपनी प्लेटिनर बाइक से जौनपुर की तरफ जा रहे थे। तभी जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर टेकारी मोड़ के समीप सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार दंपति को धक्का मार कर निकल गया। धक्का लगने से दोनों सड़क के किनारे गिर गए। दोनों के सिर में चोटें आईं। मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल पहुंचते ही आशा देवी की मौत हो गई, जबकि पति अशोक के सिर में चोटें आईं। पुलिस शव को मर्चरी भेज दिया और सिकरारा थाने पर पहुंचे परिजनों से पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुट गई। अशोक की पहली पत्नी की मौत के बाद 3 वर्ष पूर्व दूसरी शादी हुई थी। अभी दूसरी पत्नी से कोई बच्चे नहीं हुए थे। अशोक कुमार पटेल कहाँ से आए हैं? जुड़वपुर से। अच्छा, क्या हुआ, कैसे दुर्घटना हुई? बाइक से अपने पत्नी को लेके जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? जौनपुर जा रहे थे कचहरी। हाँ, ट्रक वाले ने साइड मार दिया। कहाँ पर मारा था? टेकारी मोड़ पे। टेकारी मोड़ के पास। हाँ, आपकी वाइफ भी थी? हाँ, गाड़ी लेके हम लोग नीचे गिर पड़े, गाड़ी हम लोग को ऊपर पड़ी। अच्छा, तो वहाँ पर चोट लगी काफ़ी, आपको भी आपकी वाइफ थी? हाँ, वहाँ सदर गई उसके बाद। हाँ, थाने पाए मुकदमा लिखाने के लिए? हाँ आए।